यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बेटा हम पढ़ रहे थे, कविता है हमारी कैदी और कोपिता। लेसन नंबर 12 अपना ओपन कीजिए और कविता निकालिए कैदी और कोपिला। ये हाफ जो है हमारी हो चुकी थी। कवि का नाम क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। ओपन योर बुक्स अक्षितिस। लेसन नंबर 12 बेटा हमारा, और ये पेज नंबर है 105 निकाल लेंगे। और उसके बाद जहां हमारी जो फिनिश हुई थी कविता, कितनी हो चुकी थी हमारी, पता है किसी को? हाँ जी, पेज नंबर 108 पे है हम। पेज नंबर 108 निकालिए। यहाँ हम क्या था, यहाँ तक कि हम जो है ब्रिटिश लोग जो है अंग्रेज लोग हमें कितनी भी यातनाएं दे, कितनी भी हमारे साथ जो है, कितनी भी हमें सजा दे, कितना भी हमें पेन दे, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। अंग्रेज क्या सोचते हैं कि जो अगर हम उनके सामने अपने दर्द के बारे में कहेंगे तो हम जो है उनकी पीड़ाओं से, उनकी यातनाओं से डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो अंग्रेजों की ही अकड़ को तोड़ देंगे। कौन कहता है? माखनलाल चतुर्वेदी। कि अंग्रेज चाहे जो है हमारे ऊपर कितने भी जुल्म ढाए, लेकिन हम उफ तक भी नहीं करेंगे, इनसे जो है अंग्रेजों की अकड़ टूट जाएगी। पैसेज नंबर 3 पे चलिए बेटा। लास्ट लाइन में क्या था कि खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि जो अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि हम उनकी यातनाएं देने से जो है घबरा जाएंगे, हम बिल्कुल भी उफ तक नहीं करेंगे, इससे जो है ब्रिटिश लोगों की अकड़ का कुआं खाली हो जाएगा। मीन्स जो वो चाहते हैं ऐसा नहीं होगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली क्या बताया था मैंने? सखी। लास्ट पैसेज में भी आया था। तो जो कवि है वो कोयल को जो है अपनी सखी कहता है, और कहता है कि हे सखी, दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली, तेरे अंदर जो है रात को भी करुणा का भाव क्यों जगा हुआ है। दिन में करुणा क्यों जगे, करुणा क्या होती है? दया का भाव। जगे रुलाने वाली, हे सखी, हे जो मेरे दर्द को देखकर दया करने वाली मुझ पर, तुझे जो है तू रात को भी, दिन में तो जगाती ही, दिन में तो जो है दर्द देती ही है, रुलाती ही है, मेरी यातनाओं को देखकर, मेरे दर्द को देखकर दिन में तो रुलाती ही है, रोते ही है हम, लेकिन अंग्रेजों को नहीं दिखाते कभी भी। इसलिए तू रात में भी क्यों गजब धा रही है, क्यों जो है रात को भी चैन से नहीं जीने दे रही है। इस शांत समय में, जो रात का समय क्या होता है? शांत समय होता है। तो कहता है कि जो ये इतना शांत समय है, इसमें भी अंधकार को वेद रो रही क्यों? रो रही क्यों मतलब क्यों चीख रही है तू? अंधकार को भी चीरती हुई, वेदना होता है चीरना, तू अंधकार को भी चीरती हुई जो है रात को क्यों कूप रही है। पेज नंबर 108 लास्ट पैसेज बेटा। कि हे कोयल, तू इस शांत समय में भी अंधकार को चीर कर क्यों चीख रही है रात के समय? कोयल मुझे बोल कर बताओ। ऐसे चीखने से, ऐसे बोलने से मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो तुम, बिल्कुल चुपचाप और शांत मन से जो है मधुर स्वर से विद्रोह के बीज बो रही हो, लोगों को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध
ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात को चीख की चीख कर अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को भड़का रही हो, आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित कर रही हो, भारतवासियों को ऐसा लग रहा है कि तुम रात को चीख कर भारतवासियों को आंदोलन करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार कर रही हो, विद्रोह का बीज बो रही हो कि अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करो, हे भारतवासियों अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करो। अब जो है इनका पाप का घड़ा भर चुका है, किसका? अंग्रेजी शासन का। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कि लोगों के अंदर जो है आंदोलन का के बीज इस प्रकार बो रही हो, विद्रोह के बीज इस प्रकार बो रही हो, कोयल मुझे बोल कर बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम्हारा इस समय रात के समय जो है आधी रात को बोलने का उद्देश्य क्या है और क्या तुम कहना चाहती हो। फिर कहता है काली तू रजनी भी काली, शब्दार्थ में देखेंगे बेटा रजनी क्या होता है? रात्रि। तो कहता है तू भी काले रंग की है, कोयल काले रंग की होती है ना, रजनी भी काली, रजनी होती है रात्रि रात, कि तू भी काली है और रात भी काली है, और जो अंग्रेजी शासन की करतूते हैं, कारनामे हैं, करनी मींस कारनामे करतूते, जो अंग्रेजों के कारनामे हैं वो भी काले हैं, अर्थात वो लोगों पर बिना बात के जुल्म ढा रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, फिर कहता है कि जो यहाँ शासन की जो लहर चल रही है काली वो भी काली है, और जो लोग जो है कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कल्पना, कल्पना क्या होता है? इमेजिन, कि जो मेरे मन में तेरे बारे में जो मैं इमेजिन कर रहा हूं वो कल्पनाएं भी काली हैं। तो फिर कहता है मेरे काल कोठरी काली, और जिस जेल की कोठरी में मैं रह रहा हूँ वह भी काली है, और जो मेरे को जो कैदी को टोपी पहनाई जाती है वो भी कैसे रंग की है? काले रंग की है। कमली काली, कमली मीन्स कंबल, कि जो कैदियों को ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है वह भी काला है। क्या कहता है लेखक कवि कि मेरी लोह श्रृंखला काली, जो मैं लोहे की श्रृंखलाओं से, श्रृंखला क्या होती है? जंजीरें, जो लोहे की बेड़ियां हैं उससे उसको जकड़ा हुआ था जेल में लेखक किस ना कवि सॉरी माखनलाल चतुर्वेदी को जो है बेड़ियों से जकड़ा हुआ था जेल में। तो कहता है जो ये बेड़ियां हैं मेरी, ये जंजीरें हैं, वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, फिर कवि क्या कहता है कि जो यहाँ पर जेल में पहरेदार हैं वे भी सांप जैसे फुंकारे भरते हैं, जैसे सांप सर्पिणी होती है फुंकार मारती है वैसे ही वो भी जो है फुंकार मार रहे हैं जो यहाँ पर जेल के पहरेदार हैं। इस पर है गाली ए आली, आली क्या होता है? सखी। हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां देते हैं और बहुत गंदा बोलते हैं कि हमारे साथ जो है इतना गंदा व्यवहार करते हैं, सब तरफ हमें काला ही काला नजर आता है और इसके बावजूद भी जो पहरेदार हैं वह हमें गालियां देते हैं जो है। स्वतंत्रता रूपी जो हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन है, ये संकट जो है बिल्कुल काले रंग का है, ये जो सारा संकट है बिल्कुल काले रंग का है। दोबारा से देखो बेटा इस पैसेज को, काली तू रजनी भी काली, क्या कहता है कोयल को कवि माखनलाल चतुर्वेदी कि तू भी काली है और यह रात्रि भी काली है, और जो शासन की करतूते हैं, कौन से शासन की? ब्रिटिश शासन, कारनामे हैं, करतूते हैं, वे भी काली हैं।
काली लहर कल्पना काली, और जो इस समय लहर चली हुई है वह भी काली है। जो अंग्रेजों ने जो अत्याचार रूपी जो लहर चलाई है, जो जुल्म ढा रहे हैं, वो भी काले हैं। और जो मैं कल्पना कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, जो मेरे मन में उत्पन्न कल्पनाएं हैं, वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, मेरी यह जो जेल की कोठरी है यह भी काली है, मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो मैं लोहे की जो जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ बेड़ियों में, ये भी काली है। और जो पहरेदार हैं उनकी जो आवाजें हैं, हुंकार हैं, वो भी कैसी हैं, सर्पिणी की तरह हैं, सर्पिणी। और उसके बाद क्या कहता है, जितने जुलम ढाने के बावजूद भी वे हमें गाली गलौज करते हैं, पहरेदार हमें गालियां देते हैं, हे सखी तुझे क्या बताऊं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, तो कहता है यहाँ पर बेटा जो हमारा काव्य सौंदर्य होगा वो लास्ट पैसेज की तरह ही जो है होगा, हमारा जो है क्या हो जाएगा, हमारा जो लास्ट में मैंने बताया था काव्य सौंदर्य जो है कि अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है जो काली शब्द है उसके लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है, विशेषण किन किन अर्थों को स्पष्ट करते हैं। तो कहता है एक तो वो जो अन्याय है और क्रूरता है उसको दिखाते हैं, दूसरा काले रंग को दिखाता है, और तीसरा भयानकता को भी जो है काला रंग यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। जो काला रंग है वो केवल यहाँ रंग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पर काला एक तो रंग के लिए प्रयोग हुआ है कि कोयल भी काली है, रात भी काली है, टोपी भी काली है, कंबल भी काले हैं, और लोहे की जंजीरें भी काली हैं। और दूसरा, हाँ जी बेटा कहाँ थे हम, कहता है कि जो यही मैं काले के बारे में बता रही थी कि काला एक तो रंग के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, दूसरा भयानकता के लिए प्रयुक्त हुआ है। भयानकता क्या है हमारी, जैसे काली लहर चली हुई है, अंग्रेज जो जुलम ढा रहे हैं, और जो मेरे अंदर कवि के अंदर जो कल्पनाएं आ रही है वे भी काली है, तो वो क्या था, भयानकता की ओर संकेत है। जो काला रंग होता है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, भयानकता की ओर। और अन्याय करूरता, जो शासन की करनी है वो भी काली है। तो यहाँ पर किसका विशेषण है, ये काला, ये है अन्याय और करूरता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब इसका जो काव्य सौंदर्य है बच्चों वही था हमारा, जैसे मैंने लास्ट पैसेज में करवाया इसका काव्य सौंदर्य कि कवि ने जो है बहुत जो जेल में है, फर्स्ट लाइन में लिख देंगे आप कि कवि ने जो है अत्याचारों को झेला है, बहुत अपमान को झेला है जेल में। सेकंड लाइन में लिखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग है, कौन सी बोली है, खड़ी बोली, और तत्सम और तद्भव शब्दों को प्रयोग किया गया है। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द, और तद्भव क्या होते हैं, हमारे जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो होते हैं तद्भव। तो कहता फिर है जो तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा, अभिधा शक्ति का रोग है और प्रसाद गुण है। इसके बाद जो है आप अलंकार लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो आ जाएगा रस कौन सा आ जाएगा बच्चों, हमारा करुण रस, क्योंकि यहाँ जो है दया की जो है दृष्टि से कवि जो है देखता है किसकी तरफ, कोयल की तरफ, कि शायद जो कोयल है वही समस्या का कोई समाधान निकाल ले। अब उसके बाद देखिए बेटा सेम ही रहेगा आपका काव्य सौंदर्य, इस काले संकट सागर पर मरने को मत बाती कोयल बोलो तो। तो कहता है कि जो ये काली छाया है जो चारों तरफ जो है
अन्याय और अत्याचार का वातावरण है, तो कहता है कि हे कोयल, देश के ऊपर जो ये संकट छाया हुआ है, परतंत्रता का जो ये संकट छाया हुआ है, इस संकट सागर पर मरकर इसे आजाद करवाने की जो मदमाती मस्त इच्छा जागृत करना चाहती हो क्या तुम लोगों में, कोयल बोल कर बताओ। देखिए क्या कहता है कि हे कोयल, तुम मुझे बोल कर बताओ कि क्या इस भारत पर जो अंग्रेजों की प्रतंत्रता का संकट छाया हुआ है, क्या उस संकट रूपी सागर पर मरकर इसे आजाद करवाने की इच्छा उन लोगों के अंदर जागृत करना चाहती हूँ। मुझे बोल कर बताओ कि आखिर आधी रात को तुम क्यों कूप रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोयल, बोलो तू। तो कहता है हे कोयल, तुम बताओ किस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तुम बार बार सुना रही हो, क्यों बार बार कूप रही हो, सब दिशाओं में कूप कर क्यों फैला रही हो अपनी आवाज को, सभी दिशाओं में क्यों कूप कर फैला रही, क्यों कर हो तैराती का मतलब है अपनी आवाज को सभी दिशाओं में क्यों फैला रही हो। नेक्स्ट है, तुझे मिली हरियाली डाली। अब कौन सा है पेज नंबर है बेटा हमारा 109, लास्ट जो पेसेज है वो हम कर रहे हैं इसका। तो क्या कहता है कवि, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तू तो हरी भरी डाली पर बैठी हुई है और आराम से जो है कूक रही है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे तो यह काल कोठरी नसीब हुई है, मुझे तो यह जेल की कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, नभ होता है आकाश, भर में पूरे, तुम्हारा तो तुम तो जो है पूरे आकाश में जो है संचार कर सकती हो, घूम फिर सकती हो, तुम तो पूरे आकाश में उड़ सकती हो, जहां चाहो जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन जो मेरा तो यह 10 फुट का ही संसार है, यह जो काल कोठरी है छोटी सी, यही मेरा 10 फुट का संसार है। तुम तो जहां चाहे आकाश में उड़ सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो। तेरे गीत का हावे वावा, रोना भी है मुझे गुनाह। तो कहता है कि जब तू गाती है तो लोग तेरे गीतों की वाह वाही करते हैं, कि लोग कहते हैं कि कितना सुंदर गीत गा रही है कोयल, कितनी मधुर आवाज में कोयल बोल रही है, कि तू तो चाहे चीखे बोले, तुझे तो हर प्रकार की आ जाती है, लेकिन हमें तो रोना भी मना है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है वो हमें इतनी यातनाएं देते हैं, और यदि हम उनके सामने उफ तक भी करेंगे तो जो है हम उनके सामने उफ तक भी नहीं करते, और रोना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे वो सोचेगा कि भी हम कमजोर पड़ गए हैं। अंग्रेज लोग सोचेंगे कि हम भारतीय जो है कमजोर पड़ गए हैं, कि हम रोएंगे या चिल्लाएंगे या गिड़गिड़ाएंगे उनके सामने। तो कहता है कि हम तो रो भी नहीं सकते, हमारा तो रोना भी क्या है, गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। विषमता क्या होती है बेटा, कि तेरे और मेरे अंदर जो है कितनी तेरी तू कितनी आजाद है, तेरी और मेरी जो जिंदगी है उसमें कितना अलगाव है, तेरी जिंदगी कितनी अलग है, विषमता में अलग है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। तो कहता है कि जरा तू अपनी और मेरी विषमता को तो देख, मेरी भी कठिनाइयों को देख और अपनी भी कठिनाइयों को देख, कि मैं तो किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ और तू किस प्रकार का जीवन जी रही है। किसको संबोधित कर रहा है कवि,
कोयल को। कवि का नाम क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी। तू कहता है कि जरा तू अपनी और मेरी विषमता को तो देख, कितना बड़ा अंतर है तेरे और मेरे जीवन में। पर इस अवस्था में भी जो है मैं निरुत्साहित नहीं हूं, मैं आजादी का डंका बजा रहा हूं। रणभेरी, रण होता है युद्ध क्षेत्र, भेरी होता है जैसे युद्ध के लिए जो अनाउंसमेंट होती है, जो नगाड़े बजते हैं उसको कहा जाता है रणभेरी। तो कहता है कि चाहे मैं, मेरी परिस्थितियां तेरे से बहुत अलग हैं, मैं बिल्कुल जो है जेल में पड़ा हुआ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आजादी के लिए लोगों के अंदर आजादी की भावना भर रहा हूँ और आजादी का डंका बजा रहा हूँ। आंदोलन के जरिए जो है हम आजादी तक पहुंच रही है। बजा रही किस पर रणभेरी, इसके बाद भी किस होता है, इसके बाद भी जो है हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। इस पर होम कृति, इस होम कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या करूं। कृति क्या होती है बेटा? जो लेखक या कवि जो रचना रचता है वो उसकी कृति होती, चाहे वो कविता है या कहानी है या कुछ भी, जब वो जो वो लिखता है वो कहलाता है कृति। तो कहता है इस हूं कृति पर कि इस हुंकार के बाद भी जो मैं आजादी का आंदोलन के लिए जो है देश में, पूरे देश में आजादी के आंदोलन के लिए भारतवासियों को प्रेरित कर रहा हूँ, इस हुंकार के बाद भी मैं अपनी रचनाओं से बताओ और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या करूं, कोयल मुझे बोल कर बताओ। मैं अपनी तरफ से जो है भारतवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना भर रहा हूं और चाहता हूं कि जल्दी से हमारा देश आजाद हो जाए। तो कोयल मुझे बोल कर बताओ कि मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर सकता हूं। मोहन के व्रत पर प्राण का आसव किसमें भर दूं। तो कहता है मोहन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। तो कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो देश की स्वतंत्रता के लिए जो व्रत रख लिया है, देश की स्वतंत्रता, देश को आजाद करवाने का जो व्रत लिया है, जो उन्होंने प्रण किया है, व्रत मींस प्रण, जो उन्होंने प्रण किया है देश को आजादी की, देश को आजाद करवाने के लिए, उसे में जो है किसके प्राणों में रस में भर दूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव क्या होता है? रस। कि जो व्रत महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाने के लिए धारण किया है, उसे मैं जो है सभी लोगों के प्राणों में रस के रूप में भर दूं। अरे कोयल तुम बोलो तो सही, कि अरे कोयल तुम बोल कर तो बताओ कि क्या महात्मा गांधी ने जो देश को आजाद करवाने का व्रत लिया हुआ है, उसको जो है मैं लोगों के अंदर रस के रूप में भर दूं, ताकि सारे भारतवासी जो है आंदोलन के लिए खड़े हो जाएं, अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाएं। यहाँ बेटा हमारी जो ये कविता है ये समाप्त होती है और अब हम देखेंगे इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो प्रतिक्रिया क्या होता है? रिस्पॉन्स। तो कवि की जो कोयल जब रात को कूक रही, तो कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो उसके बाद क्या होता है कि आज रात के गहरे अंधार में, आधी रात के गहरे अंधकार में जो है कोयल कूक रही है और कवि जानना चाहता है कि वह क्यों कूक रही है, उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि स्वयं को जो है जेल में बंद है और वो जो है
पीड़ा झेलने के कारण आधी रात तक जागने के लिए विवश है, लाचार है। अब दिन के समय तो उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था, जो जेल में थे भारतवासी, इतना उन्हें तंग किया जाता था, बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, तो जो है वो दर्द, वो पीड़ा उसे रात को भी जो है महसूस होती थी, इसलिए वह नहीं सो पाता था। तो कहता है कि आधी रात को मैं तो जागने के लिए विवश हूं, पर वह जानना चाहता है कि कोयल तेरी ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि तू भी आधी रात को चीख रही है। नहीं, मेरी तो लाचारी है कि जो अंग्रेज हमें दिन के समय यातनाएं देते, इतने दर्द देते हैं, उनके सामने तो हम उफ तक भी नहीं करते, लेकिन दर्द तो हमारे शरीर को होता है। और देश की आजादी के बारे में भी कैसे आगे से प्लानिंग की जाए, तो इसलिए जो है मैं रात भर जागता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी कौन सी व्यवस्था है जो तुम रात को चीख रही हो। तो कोयल की कूक सुनकर जो कवि है उसकी यही प्रतिक्रिया हुई कि तुम जो है रात को क्यों चीख रही हो, तुम किसका संदेशा लाई हो और क्या संदेशा देना चाहती हो, और मुझे बोलकर बताओ। फिर कहता है दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है, कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोयल जो है वो क्यों बोल रही है। तो कोयल की जो बोलने का क्या है रीजन, क्या हो सकता है कि किसी, या तो वो किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई है तभी तो वो चिल्ला रही है, रात को चीख रही है, या तो कोई कष्ट है उसे, किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई है, और दूसरा जो वो कष्ट है उसने उसे अपने अंदर जो है दबाकर रखा हुआ है, और रात आधी रात को वह उस कष्ट या पीड़ा को बाहर निकाल रही है। दूसरा, उसने गुलामी व अत्याचार की जो है भयंकर लपटों को देखा है, जो गुलाम था देश उस समय अंग्रेजों की, और वो जो अत्याचार कर रहे थे भारतवासियों पर, तो उस अत्याचार और गुलामी की आग की भयंकर लपटों को किसने देखा है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पर, कोयल को। तो ऐसा हो सकता है भाई कि कोयल ने या तो गुलामी या अत्याचार की आग की लपटों को देखा है, या उसके अंदर कोई पीड़ा के बोझ के नीचे वो दबी हुई है, और सारा देश एक कारागार, एक जेल उसे दिखाई दे रहा है। यानी कि जो कवि है, जो कोयल है, उसके रात को कूकने के तीन कारण हो सकते हैं, वो क्यों चीख रही है। पहली तो यह संभावना हो सकती है कि उसके अंदर कोई पीड़ा दबी हुई है जिसे वो बाहर निकालना चाहती है। दूसरा क्या होता है कि उसने जो है गुलामी और अत्याचार की भयंकर लपटों को देखा है, और उसे सारा देश जो है एक कारागार, एक काल कोठरी लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये थर्ड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से, तम क्या होता है, क्या बताया था मैंने, अंधकार, कि किस शासन की तुलना जो है अंधकार से की गई है। तो अंग्रेजी शासन की तुलना जो है अंधकार के प्रभाव से की गई है। अंधकार किसका प्रतीक होता है, निराशा का, किसका, निराशा का, दुखों का, और अंग्रेजी शासन जो है भारतवासियों के हृदय में जो है अंग्रेजों ने जो है निराशा का अंधकार भर दिया है, और देशभक्तों पर वे बहुत जुल्म ढा रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी शासन को तम का प्रभाव कहा है। किसको कहा है तम का प्रभाव, अंग्रेजी शासन को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, कविता के आधार पर प्राधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए, कि किस प्रकार जो है जो जेलों में बंद कैदी थे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, किस प्रकार उन्हें यातनाएं और पीड़ाएं दी जाती थी। तो देखिए क्या किया जाता था, उनके साथ बहुत भयंकर जो है
उन्हें यातनाएं, उन्हें दर्द देने के बहुत भयंकर प्रबंध किए हुए थे ताकि देशभक्त जो है डर जाएं तथा अपने उद्देश्य से भारत को आजाद करवाने के उद्देश्य से पीछे हट जाएं। जेलों में कैदियों की छाती पर बैलों की तरह जो है फीता बांधा जाता था और चूना आदि उन पर पिसवाया जाता था। जो बैलों का काम था वो किससे करवाया जाता था? कैदियों से। जैसे उनकी जो पेट है उस पर फीता बांधकर जो उसको उनको उसमें बैलों की तरह जो है चूने वगैरह जो चक्की थी चलती थी जहाँ चूना पिसता था वहां जो है बैलों का काम कैदियों से करवाया जाता था। और पेट से बांधकर जो है बैलों जैसे बैल खेत जोतते थे तो वहां बैलों की जगह किसको जोता जाता था? भारत के लोगों को जो जेल में बंद थे। फिर कोल्लू चलवाया जाता था उनसे और तेल निकलवाया जाता था और ईंट और पत्थरों की गिट्टियां तुड़वाई जाती थी। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था और उनके हंसने रोने पर भी रोक लगाई हुई थी। वे अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर सकते थे। इतनी यातनाएं देने के बाद भी जो देशभक्त थे वो उफ तक भी नहीं करते थे ताकि अंग्रेजों को ये एहसास न हो कि भाई हम अपना उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। उनके सामने तो वो उफ तक भी नहीं करते थे और अंग्रेज जितना चाहे उतनी उनको यातनाएं पीड़ाएं देते थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जानवरों की तरह उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें पीटा जाता था। जैसे आपने देखा भी होगा बेटा कई फिल्मों में कि अंग्रेज जो है नाटकों में आपने देखा होगा कि अंग्रेज जो है उस समय किस प्रकार का व्यवहार जो है भारत के लोगों के साथ करते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो। कवि कोयल से जानना चाहता है कि वह रात के अंधेरे में अचानक क्यों कूद पड़ी। वह तो प्रकृति के कोमल सौंदर्य रूपी वैभव की रखवाली है, रक्षा करने वाली है। कि वह तो जो प्रकृति है उसकी कोमल सौंदर्य की रक्षा करने वाली है। तुम तो बहुत मधुर बोलने वाली हो तो तुम भी जो है रात को क्यों चीख रही हो? क्या हो गया है जो आधी रात को तुम चीख रही हो? तो जो नेक्स्ट है बेटा इसका है पार्ट, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो कहता है कवि अंग्रेजी शासन में जो जेलों में ढाए गए अत्याचार हैं भारतवासियों पर वो उनका उल्लेख करते हुए कहता है कि मैं उसे पेट पर फीता बांधकर जो है पशुओं की तरह मुझे कोल्लू चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा करके भी वह अंग्रेजी सरकार की अकड़ को तोड़ देता है। कि फिर भी जितना वो मुझे पीड़ा देते हैं, जितना मुझ पर अत्याचार करते हैं, मैं उसको उतना हंसते हंसते उसको स्वीकार करता हूँ और अंग्रेज लोगों की अकड़ को तोड़ देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? तो सोचता, अंदेशा होना मतलब क्या सोच रहा है? जब वो आधी रात को कोयल चीख रही है तो कवि जो है क्या सोच रहा है? जब आधी रात को कोयल चीख रही है तो कवि सोच रहा है कि या तो ये पागल हो गई है या इसने जो है जंगल की विनाशकारी ज्वाला को देखा है। क्या बताया था मैंने इसके लिए, जंगल की आग के लिए जो है क्या शब्द प्रयोग किया गया था बच्चों? जैसे मैंने आपको तीन बताए थे, देखिए पैसेज नंबर, या तो कवि कह रहा है कि तू पागल हो गई है क्या, या फिर तूने किसी जंगल की आग को देख लिया है। तो यहाँ पर जो था जंगल की आग के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वो कहता था, वो कह रहा है कि क्या तू बावली तो नहीं हो गई है। कौन से पैसेज में था बच्चों, एक बार देखो प्लीज। ये था हमारा
क्यों हुई क्या हुई बावली। नेक्स्ट जो था हमारा इसमें था दावानल, ये हमारा 108 पेज पे था बेटा, जंगल की आग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, दावानल। कि क्या तुमने जंगल की आग को देखा है, मैंने बताया था जठरानल क्या होती है, पेट की आग, और दावानल क्या होती है, जंगल की आग, और बड़वानल होती है समुद्र की आग। तो कहता है कि क्या तूने कोई जंगल में विनाशकारी आग लगी हुई देख ली है, या ये तू पागल हो गई है, तो कभी ऐसा जो है किसके बारे में सोच रहा है, कोयल के बारे में सोच रहा है। आज बच्चों हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें जो ये लेसन है हमारा फिनिश हो जाएगा, और जो भी आपको जो है दिया जाता है वर्क बेटा उसे कंप्लीट करना, और अच्छे से जो भी पैसेजेस के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अच्छे से रीड करना, क्योंकि जो पैसेज है वो हमारे एग्जाम्स में आता है, और किस प्रकार से हमें आंसर देने होते हैं वो भी हमें देखना होता है। तो अच्छे से जो भी पैसेज आपको दिए जाते हैं उनको रीड करो। धन्यवाद।